दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिनिशिंग कारपेंटर, स्प्रे पेंटर, ये सब स्टील फिक्सर सुपरवाइजर फोरमैन ये सब जा रहे हैं। सिविल का और मैकेनिकल का ज़्यादा संख्या में इसमें आदमी चाहिए। ठीक है, लोडर ट्रक ड्राइवर है, टेलर ड्राइवर है, वाटर टैंक ड्राइवर, बस ड्राइवर है, हाइड्रा मैकेनिक मशीन बनाने वाला, डीजल मैकेनिक मशीन वाला है, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, एक्सवेटर ऑपरेटर है, बूम ट्रक ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, सावल ऑपरेटर है, ये सब ट्रेड का है जिसमें 1600 और 200 दिया है। हाँ, और इसके बाद से NSH है जो कि सीवी सिलेक्शन है, जो इसमें शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन चाहिए और इसका बीजा 100% गारंटी है, मिल रहा है बीजा हमारे पास, ऑफलेट सब पड़ा हुआ है। हम साब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका 31 तारीख को, इसी महीना में 31 तारीख को इसका इंटरव्यू होने जा रहा है और हर प्रकार का ड्राइवर का। जैसे वहाँ पे किसी कारण बस अगर वहाँ फंसता है तो वो अगर रिटर्न आता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। शोल्डर हेल्पर है, कारपेंटर हेल्पर है और हेल्पर है और ड्राइवर है, जो यूवी लाइसेंस का जो ड्राइवर है उन लोगों का इसमें अच्छा खासा सैलरी दिया है, 2025 रियाल दिया है हेल्पर का। आपका भी सर स्वागत है, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और पिछला बार हमारा 23 तारीख को जो इंटरव्यू चला था, आपके माध्यम से काफ़ी लड़के आया, सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ है सर जी। और अभी हमारे पास जो काम आ गया है 26 तारीख को चलने जा रहा है, कालांडोर कंस्ट्रक्शन LLC कंपनी दुबई की, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है इसमें, और इसमें सर ट्रेड जो है इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का 1200 से 1500 सैलरी दिया है, प्लम्बर का दिया है 1200 से 1500, स्प्रे पेंटर दिया है जिसमें स्प्रे पेंटर दिया है उसका 1500 से 2500 तक सैलरी है, सन ब्लास्टर पेंटर दिया है 1200 से 1500, फर्नीचर कारपेंटर दिया है सर, वुड मैकेनिक ऑपरेटर, वुड जो लकड़ी का काम करता है उसका दिया है, CNC ऑपरेटर दिया है, स्टील फिक्सर फोरमैन है, स्टील फिक्सर सुपरवाइजर है, कारपेंटर फोरमैन है, वेल्डर है, वेल्डर है हमारे पास टीगन आर्क SS और टीगन आर्क SS और 6G वेल्डर है, वेल्डर हेल्पर है, कारपेंटर हेल्पर है और ड्राइवर है, जो यूवी लाइसेंस का जो ड्राइवर है उन लोगों का इसमें अच्छा खासा सैलरी दिया है, 2000 से 2500 रियाल दिया है, हेल्पर का 1000 रुपया सैलरी दिया है सर। और दूसरी कंपनी हमारे पास है अंसाब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें ड्राइवर है, लोडर ट्रक ड्राइवर है, टेलर ड्राइवर है, वाटर टैंक ड्राइवर, बस ड्राइवर है, हाइड्रा मैकेनिक मशीन बनाने वाला, डीजल मैकेनिक मशीन वाला है, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, एक्सवेटर ऑपरेटर है, बूम ट्रक ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, सावल ऑपरेटर है, ये सब ट्रेड का है जिसमें 1600 और 200 दिया है सैलरी, ये 8 घंटा का सैलरी बता रहा हूँ सर, और प्लस OT है। ठीक है सर, और हमारे पास तीसरा जो आया हुआ है NSH कंपनी सऊदी अरबिया, जो नासिर अल हाजरी कंपनी है, उसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है, इसमें 3 ट्रेड है, सेटरिंग कारपेंटर है, सेटरिंग कारपेंटर का 1000 से 1200 सैलरी दिया है 8 घंटे का, प्लस फूड फ्री है, प्लस OT है, स्टील फिक्सर का सेम सैलरी 1000 से 1200 प्लस फूड फ्री प्लस OT, मेसन का 1000 से 1200 प्लस फूड प्लस OT है सर। और ये कंपनी अपना सऊदी का ब्रांड कंपनी है, सऊदी में है, ओमान में है, कतर में है, दुबई में है, हर जगह है NSH कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है सर। कालांडोर कंपनी का 9 बजे से मेरे पास इंटरव्यू चालू हो जाएगा 26 तारीख को, 9 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा सर। का अंसाब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका 31 तारीख को, इसी महीना में 31 तारीख को इसका इंटरव्यू होने जा रहा है और हर प्रकार का ड्राइवर का जरूरत है। ये 26 तारीख जो अपने रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए, कालांडोर कंट्रैक्टिंग LLC दुबई, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट मिला और इसमें भारी संख्या में कार्यरत कर सकता है। जो भी जिस स्टेट के भाई साहब हैं, डिमांड लेटर आप लोगों को मैं ऐसे भी किया भी हूँ, और जो नहीं जुड़े हैं
उनको मैं बताना चाहता हूँ जो अभी सब सर ने बताया, सारे ट्रेडों का इंटरव्यू 26 तारीख को अपने यहाँ चलेगा बड़हरिया में, ठीक है, क्लाइंट द्वारा। जी, क्लाइंट द्वारा। दूसरा इंटरव्यू जो अभी फिलहाल आप लोगों को ऐड मिल ही रहा है अंशाप कंपनी सऊदी अरबिया के लिए ड्राइवर के लिए, इसमें भारी संख्या में कारीगरों का सकता है और ऑपरेटर चाहिए हमें। कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे मेरे पास भी कि हाँ ड्राइवर में सऊदी लाइसेंस अगर है तो क्या चलेगा, नहीं सऊदी लाइसेंस अगर है तो और बढ़िया है और फ्रेशर है तो भी बढ़िया है, और इसमें सिर्फ हेवी लाइसेंस वाले ही इसमें आ सकते हैं, लाइट ड्राइवर का नहीं है, ठीक है, कमेंट्स में देखा था, ठीक है। और इस हाँ, और इसके बाद से NSH है जो कि सीवी सिलेक्शन है, जो इसमें शटरिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर मेसन चाहिए, और इसका बीजा 100% गारंटी है, मिल रहा है बीजा हमारे पास, ऑफर लेटर सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर जाकर के वहाँ पे किसी कारणवश अगर वहाँ फंसता है तो वो अगर रिटर्न आता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करते हैं, कम से कम कुछ अपना जायज जो होता है खर्च लेकर के हम लोग भेजते हैं, और ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, आपने बोला कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, अभी तक हमें 2 साल से ऑफिस यहाँ पे चल रहा है, बाकी 25 साल से इनका अनुभव है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया हुआ है, ठीक है। वीज़ा हम लोग पैसा उस वक्त लेते हैं जब वीज़ा और टिकट उनको दिया जाता है, और कुछ कंपनी का रूल ऐसा होता है, कुछ कुछ एजेंसी ऐसे भी हैं जो कि पहले पैसा एडवांस जमा करवाती है, क्यों जमा करवाती है, रीज़न है। देखिए कैंडिडेट सवाल कुछ भी कर सकता है लेकिन वो अपनी भी बुराइयाँ नहीं बता पाता है कैंडिडेट्स, पता है क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कितनी बार लोगों को वीज़ा दिया और करते क्या है, कभी कभी क्या होता है कि उन लोग जाने का मूड नहीं होता है, वो जाते ही नहीं तो वीज़ा तो हमारा एक्सपायर हो गया और फाइन तो हमें भरना पड़ता है। इस सेफ्टी के लिए कुछ कुछ एजेंसी जो है वो पैसा जमा करवाती हैं एडवांस तौर पर, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं, बगैर एडवांस तौर पर जमा मतलब करवाती हैं, हमारे तरफ से ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो बोलना चाहता हूँ, जो अपना दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, कलंडोर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है दुबई, ये दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिनिशिंग कारपेंटर, स्प्रे पेंटर, ये सब स्टील फिक्सर सुपरवाइजर फोरमैन ये सब जा रहे हैं, सिविल का और मैकेनिकल का ज़्यादा संख्या में इसमें आदमी चाहिए, ठीक है। आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, और 9 बजे हमारे यहाँ क्लाइंट पहुँच जाएंगे, 9 बजे से अपना इंटरव्यू चालू हो जाएगा, पूरा दिन इंटरव्यू चलेगा। नंबर ये तो फिर से रिक्वायरमेंट आया है, जिन लोगों को भी नौकरी चाहिए गल्फ में, इंडिया से बाहर, तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है 26 तारीख को। 26 तारीख को सारी बातें आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग भी सऊदी गल्फ में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग चीज़ों को समझ ले, पता कर ले, देख ले चीज़ों को, और फिर आप आके यहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह आप दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस।